हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हिस्ट्री के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम इसी तरह से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और जितने भी साथी अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस ऐप में आप सभी को VVI ऑब्जेक्टिव एवं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, मॉडल पेपर का PDF एवं ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, नूर जहाँ का असली नाम क्या था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा C आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नूर जहाँ का असली नाम मेहरू निसा बेगम था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? बदायूं, अकबर, अबुल फजल या फैजी? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा C आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आईन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा C आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? 2, 3, 4 या 5? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा D आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आईन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, आईन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? 10, 12, 13 या 14? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा B आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आईन ए अकबरी में अकबर के काल में 12 सूबों का वर्णन है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा C आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा D आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सभी अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी के अनुवादक थे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो, अलवरूनी, इबन बतूता या अबुल फजल? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा D आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, अकबर के समकालीन नहीं था? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अकबर के समकालीन कौन नहीं था। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा D आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जार निकोलस जो रूस के रहने वाले थे वो अकबर के समकालीन नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा C आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाबरनामा ग्रंथ बाबर के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा D आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के स्मृति में करवाया गया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? बाबर, अकबर, शेर शाह या हुमायूं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था अकबर के शासक के द्वारा शुरू की गई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? अकबर, बीरबल, टोडरमल या मान सिंह। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा टोडरमल की देन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? बटाई, नसक, कानकूत या दहसाला। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दहसाला राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा या सभी में। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अकबरनामा ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी अकबर सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि WH मॉरलैंड जो हैं वो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया? अंग्रेजों द्वारा, हूनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या अरबों द्वारा। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर मुगल सम्राट ने किया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध परुनि नदी के किनारे हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गंगा, सोन, त्रजुपालिका या गंडक। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगी कि महावीर जैन को त्रजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? इस प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि इंडो-ग्रिक वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि सांची का स्तूप मूलतः अशोक मौर्य शासक ने बनवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 26 नंबर प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी नगरीय, ग्रामीण, शिकारी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 27 नंबर प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव या वैष्णव? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, बौद्ध, हिंदू या शैव? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 29 नंबर प्रश्न है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना, अफगिस्तान, यूनान या अरब? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि भारत आने से पहले बाबर फरगना का शासक था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 30 नंबर प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ सन 1582 ईस्वी में नियुक्त किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 31 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 32 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शेर शाह सूरी या बलबन? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 33 नंबर प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1562 में, 1564 में, 1579 में या 1582 में? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि अकबर ने दीवान ए इलाही सन 1582 में शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 34 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 35 नंबर प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 36 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अकबर मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 37 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित हैं बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अकबर दीन ए इलाही से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 38 नंबर प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी? बाबर, मोईउद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव डाली सलीम चिश्ती के सम्मान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 39 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ? 1530 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1566 ईस्वी में। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 40 नंबर प्रश्न है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? दिल्ली, आगरा, सिकंदरा या फतेहपुर सिकरी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अकबर ने अपना मकबरा सिकंदराबाद में बनवाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आप सभी को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।